परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज थोड़ी देर परमेश्वर का पवित्र वचन से हम कुछ बात सीखेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 8वां अध्याय 12वां पद अब खोलिए, पढ़िए। यीशु ने कहा, जगत का ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरा में नहीं चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी के सेवकाई के दौरान में प्रभु यीशु ने ये बातें कहा। यूहन्ना के सुसमाचार 8वां अध्याय 1-12 तक हम लोग पढ़ते हैं। एक पापी स्त्री को यीशु के सामने लाए। मूसा के व्यवस्था के अनुसार ऐसा पाप करने वालों को पत्थरवा करके मारना चाहिए। फरीसियों यीशु को परखने के लिए एक औरत को यीशु मसीह के सामने लाए। प्रभु, मूसा के व्यवस्था के अनुसार स्त्री को पत्थरवा करके मरना चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहते हो? ये यीशु को परीक्षा करने के लिए था। अगर यीशु कहें मारो उसको, तो ये लोग कहेंगे, आहा, अब तो पापियों को बचाने के लिए आए हो, इसको पापी को मार डालने के लिए कैसे कहते हो? अगर यीशु कहते कि इसको नहीं मारो, तो ये लोग कहेंगे आप मूसा के व्यवस्था के तोड़ने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह ने ये दोनों सवाल के इसके लिए जवाब नहीं दिया। यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि इसको मारो, यीशु ने इसको नहीं बोला इसको मत मारो, परंतु प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, तुम में से कौन है जिसके जीवन में पाप नहीं है, सबसे पहले इसको पत्थरवा करें। अपने विवेक के दोषारोपण के कारण उनको छोड़कर सब लोग चले गए। वो स्त्री अकेली नहीं। यीशु सिर उठा के पूछा, ये स्त्री वे सब कहाँ गए? वे सब चले गए, तो मैं भी तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगाता, परंतु आज से पाप न करना। उस पापिनी स्त्री के जीवन में एक परिवर्तन आई। पाप से प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया, पापों को क्षमा किया और कहा आज से पाप नहीं करना। अंधेरा से भरी हुई जीवन में यीशु मसीह ने ज्योति दिया। तत्पश्चात यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:1-11 तक ये इतिहास हम देखते हैं। 8:12 में देखता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत का ज्योति हूं। देखिए, अंधेरा से भरी हुई हृदय को मैंने पवित्र किया, उसमें ज्योति लाया, एक नया जीवन आ गया है। इसी प्रकार जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरा में नहीं चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। मेरे मित्रों, ये पाप के अंधेरा से हमको छुटकारा देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। मनुष्य के मन में पाप के अंधेरा ही रहता है। बाइबल कहती है उत्पत्ति 6:5 में, मन के अंदर, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुराई ही उत्पन्न होता है। और यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। यीशु मसीह ने कहा, मन के अंदर से भीतर से ही हर प्रकार के बुराइयां, दोष, पाप, अधर्म, कुकर्म, चोरी, हत्या, व्यभिचार, परस्त्री गमन इत्यादि हर प्रकार की बुरी बुरी बातें मनुष्य के अंदर से निकलता है। मानव हृदय पाप से भरा हुआ है, अर्थात पाप के अंधेरा में ही रहता है। जब कोई पापी प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करता है। बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक नया मन दूंगा, I will give you a new heart। देखिए, एक नया मन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जब आप प्रार्थना करोगे तो यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारे सारे पापों को दूर करेगा। यीशु मसीह के लोहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह के लोहू में क्या विशेषता है? उसके अंदर पाप नहीं पाई जाती। उसका जन्म परम पवित्र था। पवित्र आत्मा के शक्ति के साथ ही यीशु का जन्म हुआ। 33.5 साल तक दुनिया में प्रभु यीशु रहा, उसमें उन्हें कोई भी पाप नहीं किया। बार बार प्रभु यीशु ने पूछा, तुम में से कौन मेरे पाप के बारे में बताओगे?
किसी के पास हिम्मत नहीं था, यीशु परम पवित्र था, पाप नहीं जानता था, पाप नहीं किया था, उसमें पाप तो है नहीं। परम पवित्र यीशु हम सारे पापियों के पापों को से हमको छुटकारा देने के लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ा, आखिरी बूंद खून तक यीशु ने बहाया, यीशु मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और ऊपर उठा लिया गया। मेरे मित्रों, आपके दिल की अंधेरा को दूर करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। पांच महासागर के पानी लेकर धोएं, तुम्हारे पाप दूर नहीं हो जाता। कोई डिटर्जेंट के द्वारा, एसिड के द्वारा, ड्राई क्लीनिंग के द्वारा, किसी प्रकार के साबुन के द्वारा आपके पाप दूर नहीं हो सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू सारे पापों से आपको शुद्ध करता है, पाप के अंधेरा से आपको ज्योति में लाएगा। इसलिए एक व्यक्ति, नव युवक, जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने ऐसा गाया, रात काल बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा, देखो चमका यीशु मेरा। परमेश्वर ही ज्योति है, परमेश्वर के संतान भी ज्योति में चलना चाहिए। बाइबल कहती है यूहन्ना के पहली पत्री पहली अध्याय पांच में, गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधेरा नहीं है। यदि हम कहें उसके साथ हमारा संगति है, हम भी ज्योति में ही चलना चाहिए। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर के संतान ज्योति में ही चलना चाहिए। और बाइबल कहती है सुसमाचार भी ज्योति है, यीशु मसीह के सुसमाचार तेजो में सुसमाचार है। दुनिया के ईश्वर अर्थात दुष्ट शैतान ने मनुष्य के मनों को अंधा कर दिया है, ताकि तेजो में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार उनके हृदयों में न चमके। मनुष्य ज्यादा झूठ को प्यार करते हैं, हाँ, ज्योति से ज्यादा अंधेरा को प्यार करते हैं। लेकिन मित्रों, परमेश्वर ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, सुसमाचार ज्योति है, और परमेश्वर का वचन भी ज्योति है। बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे लिए ज्योति, मेरे पाप के लिए मेरे रास्ता में उजियाला है। लाइट of the gospel, light of the word of God, परमेश्वर का पवित्र वचन आपको ज्योति दिखाएंगे। कभी कभी आप पूछेंगे, मैं कहां से आया, मैं क्यों रहता हूं, मैं कहां जाऊंगा। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में उठने वाले सवालों के लिए अच्छी तरह जवाब देते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल, अच्छी तरह उसमें जवाब पाई जाती है। मनुष्य, तुम्हारे आत्मा बहुमूल्य है, आप ये बाइबल पढ़िए, आपके पा इस रास्ता के लिए उजियाला है। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। मनुष्य के लिए न्याय का कारण क्या है? ज्योति जगत में आया, मनुष्य के काम तो अंधेरा था, इसलिए मनुष्य ने ज्योति से ज्यादा अंधेरा को प्रिय जाना। मेरे मित्रों, इस दोष में तुम फंसना नहीं है, पाप की अंधेरा छोड़ दीजिए। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गंदे गंदे काम करना, ये अंधेरा का काम है। दुष्ट शैतान आपको फंदे में फंसा दिया है, आप उसको छोड़ दीजिए और आप एक नया सृष्टि बन जाइए। यीशु ने कहा, हे सारे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के पास जब आएगा, यीशु आपको विश्राम देता है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य के बीच में बीचवाई होकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। बहुत लोग पूछते हैं, धर्म गुरुओं और यीशु मसीह में क्या फर्क है? मित्रों, हम सारे धर्म को आदर करते हैं, धर्म के नेतागणों को हम आदर करते हैं, लेकिन यीशु मसीह में अन्य धर्म गुरुओं में क्या फर्क होता है? सारे धर्मों में शिक्षकों को, गुरुओं को देखता है, लेकिन केवल बाइबल में एक उद्धारकर्ता को देखता है। गुरु जी और उद्धारकर्ता के बीच में क्या फर्क होता है? मान लीजिए आपका एक बच्चा पानी में गिर गया, पानी पीते पीते डूब रहा है। एक गुरुजी किनारे में आकर बोलता है, बेटा बेटा नीचे मत जाना, पानी मत पीना, आंख खोल के रखना, नाक खोल के रखना, अच्छी तरह उसको सिखाता है। लेकिन पानी में गिरकर डूबने वाले बच्चा के लिए ये गुरुजी का उपदेश से कोई फायदा नहीं होता। परंतु उद्धारकर्ता कौन है? वो
पानी में उतरेगा, बच्चे के हाथ पकड़ेगा, कंधे पर लगाएगा और किनारे में लाएगा। यही फर्क है प्रभु यीशु मसीह में। पानी में डूबने वाले बच्चा को उद्धार करने के लिए जैसा उद्धारकर्ता पानी में उतरा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर मनुष्य रूप धारण करके दुनिया में आया। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रहती थी। यीशु मसीह महिमा छोड़कर मनुष्य रूप लेकर आया, पापियों के पापों के बोझ अपने ऊपर उठा लिया, कलवरी के क्रूस पर आखिरी बूंद खून तक बहाया आपके लिए, आपके लिए, आपके पाप को दूर करने के लिए। पाप के अंधेरा से बाहर आ जाइए। आप क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? आप क्यों शराब के नशे में पड़ते हो? हर प्रकार के पाप के अंधेरा छोड़कर ज्योति में आ जाइए। समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अंधेरा दूर करके ज्योति नहीं ला सकता है। यदि आपके कमरे में अंधेरा भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके अंधेरा दूर करके ज्योति कैसा आएगा? ये असंभव है। परंतु जब बत्ती जलेगा, ज्योति आएगा, अंधेरा अपने आप छूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है, उसको अंदर कर लीजिए। प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मेरे मन में आ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, आपका बहुमूल्य खून मेरे लिए बहाया, मेरे अंदर आइए। उस प्रकार गिड़गिड़ा के, रो रो के, पश्चाताप के साथ आप प्रार्थना करोगे, आपका हर प्रकार के पाप की गंदगी से प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपके दिल के अंदर से परेशानी दूर करेगा। आप क्यों चिंता करते हो? मैं क्यों इस दुनिया में मेरा जन्म लिया? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे हर प्रकार के पाप से कौन मुझे छुड़ाएगा? प्यारे मित्र, आप दुखी होकर रहने की जरूरत नहीं। आप अपने आंखें बंद करो और हृदय खोलिए, दिल के गहराई से प्रार्थना करो। प्रभु जी, आप जगत का उद्धारकर्ता और जगत का ज्योति है, मेरे मन में आइए, मन की अंधेरा को दूर कर दीजिए, आपके लहू से मुझे धो लीजिए। आप गिड़गिड़ा के, रो रो के, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करोगे, आज ही आपका सारे पाप दूर हो जाएगा, आपके मन की अंधेरा छूट जाएगा और जीवन का ज्योति चमकेगा। फिर ज्योति में चलते 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 अविनाश स्वर्ग में पहुंचेंगे, जहां पर कोई अंधेरा नहीं। मित्रों, मृत्यु के बाद केवल दो ही स्थान होता है, एक स्वर्ग है, दूसरा नरक है। आप विश्वास करें या न करें, ये बात सच है। दुनिया में अंधेरा और ज्योति पाई जाती है, लेकिन नरक में कोई ज्योति नहीं, बिल्कुल अंधेरा ही है। स्वर्ग में कोई अंधेरा नहीं, बिल्कुल ज्योति ही है। यदि आप प्रभु यीशु को ग्रहण करोगे, परमेश्वर के रास्ता में चलोगे, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ोगे, सुसमाचार को ग्रहण करोगे, आप ज्योति में ही चलेंगे। आप ज्योति में चलते चलते अविनाशी ज्योति जहां पर होता है, स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे। यदि आप पाप को नहीं छोड़ेंगे, तो अंधेरा में चलते चलते घोर अंधेरा के रास्ता में पहुंचेंगे। आप आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे हृदय में आ जा, मेरे पापों को क्षमा करना, आपके लहू से मेरे पापों को धो लीजिए। प्रभु, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे हाथ पकड़कर आपके रास्ता में चलाइए, यीशु मसीह के नाम में। यदि आपने इस प्रकार प्रार्थना किया, आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह आ गया है, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, आपके प्रिय पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको धन्यवाद हो। आज जितने आपके पवित्र वचन सुना है, प्रभु उनको हृदय में कार्य करना, पाप के अंधेरा को दूर कर देना, यीशु के लहू से पवित्र कर देना, ताकि पवित्र रास्ता में परमेश्वर के ज्योति, यीशु के ज्योति, सुसमाचार के ज्योति, वचन के ज्योति में चलते रहे और परमेश्वर के राज्य में पहुंच सके। दयालु पिताजी, समस्त श्रोता गणों को आपके बलवंत हाथ में सौंपता हूँ। महिमा, आदर, जलाल आपको ही मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर पिता, आमेन।